दिल्ली पुलिस में इन दिनों काफी फेरबदल किए जा रहे हैं। पिछले दिनों काफी इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए और करीब 2 दर्जन SHO भी बदले गए। अब नए बदलाव में 6 जिलों की कमान महिला DCP को सौंपी गई है। उन्हीं में से एक हैं प्रियंका कश्यप। प्रियंका कश्यप को ईस्ट दिल्ली की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि आज की दिल्ली की कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने जा रही हैं प्रियंका कश्यप का। भारतीय पुलिस सेवा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही शुरुआत से पुलिस सेवा में आने का इरादा था। चंडीगढ़ में स्कूल के दिनों से ही वो हमेशा क्लास में अव्वल आती रहीं। पढ़ाई से लगाव था सो IT फील्ड को चुना और फिर से टॉप कर IT इंजीनियर बन गई। नामी गिरामी कंपनियों से मोटी तनख्वाह पर नौकरी का ऑफर भी मिल गया, लेकिन प्रियंका की तकदीर उन्हें किसी और रास्ते पर ले जाना चाहती थी। इंजीनियर हूँ और कॉलेज में पढ़ रही थी और पूरी मग्न थी अपनी IT की फील्ड में, और मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी कैंपस के द्वारा अच्छी कंपनीज में। ज्वाइन करते करते एक ऐसी मोमेंट आई जहाँ पर जैसे कहते हैं एक मेरी पूरी विचारधारा बदली और मुझे लगा कि मुझे पब्लिक सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। मेरे कुछ एक ऐसे वाक्या हुए सो फिर मैंने ठानी कि ये दिस सर्विस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टेक अप। पहली पोस्टिंग नागालैंड, फिर गोवा, मिजोरम और उसके बाद दिल्ली में हुई। दिल्ली में पहली बार उन्हें ईस्ट जिले की DCP के तौर पर तैनात कर दिया गया। ईस्ट दिल्ली की DCP बनने से पहले प्रियंका कई राज्यों में सेवा दे चुकी हैं। हर पोस्टिंग के दौरान वे अलग तरह के अनुभव से रूबरू हुई। राजधानी में अपने नए रोल और नई जिम्मेदारी की राह में आने वाली चुनौतियों को उन्हें बखूबी एहसास है। वो जानती हैं कि यहाँ जो चुनौतियाँ मिलेंगी वो पहले से बड़ी होंगी, पहले से कड़ी होंगी। प्रियंका महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील रहती हैं, फिर चाहे स्टाफ हो या फरियादी, समस्याओं को तुरंत हल करने की कोशिश करती हैं। IT इंजीनियर हैं, लिहाजा पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देती हैं। साइबर सेल टीम को टेक्नो टिप्स देती हैं। अपने बने बनाए करियर को छोड़कर देश सेवा के इरादे से सिविल सर्विस का रास्ता चुनने की चाह रखने वाली लोगों को प्रियंका कश्यप एक बेहतरीन नज़ीर पेश करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।